जी अस्सलाम वालेकुम जी, बीएसएनएल भी से एंड योर वाचिंग एंड विला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एनुअल 2034 के लिए हमने पोल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आप आज से पहले हमारे 12 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं और उनमें हमने हम 12 क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। आज हमारा 13th लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक या दो लेक्चर होंगे, अदरवाइज दीज 13 क्वेश्चंस विल बी इनफ फॉर योर एनुअल एग्जाम्स इंशाल्लाह। आज का जो क्वेश्चन है उसमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, लिबरलिज्म एंड फासिज्म। ठीक है कि लिबरलिज्म से क्या मुराद है और फासिज्म से क्या मुराद है। अगर आपको एक समझ आ जाता है तो दूसरा समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि एक जो है दूसरे का एडवर्स है। लिबरलिज्म जो है ना, वो पहले उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लिबरलिज्म जो है वो आज़ादी की बात करता है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स होंगे, उनको आज़ादी दी जाएगी, फ्रीडम जो है उनको हासिल होगी, वो लिबर्टी हासिल होगी, ह्यूमन राइट्स उनके सारे जो प्रोटेक्ट किए जाएंगे और गवर्नमेंट जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा इंटरवेंशन लोगों की लाइफ में नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है वो कम से कम पाबंदियाँ लगाएगी। तो ये सारा जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो ये होगा लिबरलिज्म। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करेंगे फासिज्म की, तो फासिज्म जो है वो पाबंदियाँ लगाने की बात करेगा, यानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करेगी, जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन हैं किसी भी स्टेट के, उनकी लाइफ में हर हर तरह से गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत करेगी और उनको दबा के रखेगी, प्रेशराइज करके रखेगी। तो ये कंसेप्ट है फासिज्म का। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द मेन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विद द नेम अलविला एसोसिएट्स एज मेंशन ऑन द स्क्रीन। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग्स लिबरलिज्म एंड फासिज्म। आपको शॉर्ट नोट में भी आ जाता होता है कि लिबरलिज्म पे एक शॉर्ट नोट लिखें या फासिज्म पे शॉर्ट नोट लिखें। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ फासिज्म। ठीक है, तो हर हवाले से आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब है लिबरलिज्म को पहले देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। कहते हैं लिबरलिज्म इज अ पोलिटिकल एंड फिलोसफिकल आइडिया दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबरलिज्म जो है ये पोलिटिकल आइडिया है और ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है उसको सिक्योर करने की बात करता है, इक्वालिटी, सबको सबकी बराबरी की बात करता है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के विद इन अ सोसाइटी उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब्दुल्ला चार्ज पे लगा दो, लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है जी, तो मतलब बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम को सिक्योर करता है, जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है उसको सिक्योर करने की बात करता है। ठीक है, कौन, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है। देन है जी, इट प्रमोट्स द बिलीफ दैट गवर्नमेंट्स शुड हैव लिमिटेड इंटरफेरेंस इन पीपल्स लाइफ, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड परसू देयर ओन गोल्स। तो वही बात जो मैं पहले बता रहा था कि लिबरलिज्म का कंसेप्ट कहता है कि गवर्नमेंट जो है आपकी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा और लोग जो हैं वो आज़ाद होंगे कि वो अपने गोल जो हैं उनको अपनी मर्ज़ी से अचीव कर सकें, परसू कर सकें विदाउट द फियर ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं लिबरलिज्म वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस एमिंग टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। तो कहते हैं लिबरलिज्म जो है वो एक ऐसी सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करता है जहाँ पे टॉलरेंस होगी, बुर्दबारी होगी, बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी, गवर्नमेंट जो है लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख सकेगी, टैक्सेस कम लगाएगी, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको नहीं दबाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको नहीं दबाएगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उससे नहीं उनको महरूम करेगी, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है उससे नहीं महरूम करेगी, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो प्रोवाइड करेगी। तो इसको कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म का एक कंसेप्ट है वो औरत मार्च वाला जो 8 मार्च को स्टार्ट हुआ है पिछले 2-4 साल से, फिर इसमें वो आपको पता है खास तरह की औरतें निकलती हैं और वो मार्च करती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उस चीज़ को, लिबरलिज्म की मिसाल दे रहा हूँ कि वो भी एक लिबरलिज्म की ही मिसाल है कि जहाँ पे सब आज़ाद होंगे, जो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे वो कर सकेगा, किसी को गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। तो आप देखते हैं 8 मार्च को जो भी स्लोगन्स लेके आती हैं, जो भी मार्च निकालती हैं, गवर्नमेंट उनको इंटरवीन नहीं करती उनके रास्ते में, बल्कि उनको सिक्योरिटी देती है, प्रोटेक्ट करती है, वो आती हैं अपना
احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے چلی جاتی ہے. تو یہ کیا لبرلزم ہے کہ مطلب آزادی حاصل ہوگی, دبایا نہیں جائے گا, فورس نہیں کیا جائے گا, زور نہیں دیا جائے گا کسی بات پر. دین ہے میننگ آف لبرلزم, لبرلزم کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لبرلزم از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی دیٹ پروموٹس انڈیویجول فریڈم, اکوالٹی اینڈ لمیٹڈ گورنمنٹ انٹروینشن ان پرسوٹ آف سوشل اینڈ اکنامک پروگرس. تو مطلب سوشلی آپ پروگرس کر رہے ہیں, اکنامکلی آپ پروگرس کر رہے ہیں, تو اس راہ میں جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ ٹانگیں نہیں اڑائے گی, انٹروینشن نہیں کرے گی, آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. دین ہے ڈیفینیشن آف لبرلزم, کہ لبرلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو جان لوک, جان لوک صاحب ولن ہے. کہتا ہے لبرلزم از اے پولیٹیکل فلاسفی ایمفسائزنگ انڈیویجول فریڈم. لبرلزم کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہے, اور یہ کس چیز پہ ایمفسائز کرتی ہے, کس چیز پہ زور دیتی ہے؟ انڈیویجولس کی فریڈم پہ زور دیتی ہے کہ سب آزاد ہیں, اکویلٹی سب کی برابری پہ زور دیتی ہے, اینڈ ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی پہ زور دیتی ہے جہاں پہ عوام کے پاس پاور ہوگی, عوام کے ووٹ سے لوگ آئیں گے اور عوام کے جو ووٹ ہیں ان کی قدر کی جائے گی, اور نمائندے جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ, عوام کی بل کے اکارڈنگ چلیں گے. اٹ ایڈوکیٹس فور دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس, فری ایکسپریشن, فیئر الیکشنز اینڈ ایکول اپرچونیٹیز الانگ ود ایکسیس ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر فار آل. تو بیسکلی سب کے سب فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سیکیور کرنے کی بات ہے, کہ سب کو جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی, کہ جو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے, سب کو ایجوکیشن تک اسیس ہوگی, سب کو جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں گی کہ سارے جو ہے وہ ایکولی آگے بڑھ سکیں, اور ایجوکیشن تک بھی آپ کی جو ہے وہ اسیس ہوگی, اور ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اچھا جی, دین ہے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ آف لبرلزم, یعنی لبرلزم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ چلتا ہے. کہتا ہے کنسیپٹ آف لبرلزم ایمرج ڈیورنگ دا انلائٹمنٹ ان دا 18th century, مطلب 18th century میں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اٹ ایمفسائزڈ انڈیویجول رائٹس, فریڈمز اینڈ لمیٹڈ گورنمنٹ انٹروینشن. یہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ سارے انڈیویجولس ہیں ان کو ایکول رائٹس پرووائڈ کیے جائیں گے, ان کو آزادی حاصل ہوگی, گورنمنٹ جو ہے وہ کم سے کم مداخلت کرے گی ان کے معاملات میں. کہتا ہے لبرل آئیڈیاز ور انفلوئنشل ان دا امیرکا اینڈ فرینچ ریولیوشن. جب امیرکا کی اور فرینچ کی ریولیوشن آئیں تو ان میں لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ اوبھر کے سامنے آیا. لبرلزم کنٹینیوز ٹو شیپ ڈیموکریٹک سوسائٹیز پروموٹنگ ویلیوز سچ ایز اکویلٹی, ٹالرنس اینڈ دا رول آف لا. تو لبرلزم جو ہے اس نے ڈیموکریٹک سوسائٹیز کو پروموٹ کیا, ایکول ویلیوز کو پروموٹ کیا, ٹالرنس کے ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا کہ سب برابر ہوں گے, سب ایکول ہوں گے, سب کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی اور کوئی کسی سے اونچا نہیں ہوگا, سب کو ایکولی ٹریٹ کیا رہے گا ود ان دا سوسائٹی. تو یہ ہے سارا لبرلزم, مطلب فنڈامنٹل رائٹس کی ساری بات ہو رہی ہے, تو وہ دیے جائیں گے. اب ہے کی پرنسپلز آف لبرلزم, لبرلزم کے کی پرنسپل کیا ہے؟ کہتے ہیں لبرلزم از دا پولیٹیکل آئیڈیالوجی دیٹ ایمفسائز انڈیویجول فریڈم, اکوالٹی اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. ہیئر آر سم کی پرنسپلز آف لبرلزم. سب سے پہلا کیا ہے؟ انڈیویجول لبرٹی. سمپل سی بات ہے کہ جو بھی انڈیویجولس ہوں گے, جو کہ اسٹیٹ کے سٹیزن ہوں گے, ان کو جو ہے وہ لبرٹی حاصل ہوگی, آزادی حاصل ہوگی, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتے ہوں گے. تو کہتے ہیں لبرلز ویلیوز دا فریڈم اینڈ دا اٹانمی آف انڈیویجولس, بلیونگ دیٹ پیپل شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو میک دیئر آن چوائسز اینڈ پرسو دیئر آن گولز ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ ہارم ادرس. جب تک ایک بندہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تب تک اس کو آزادی حاصل ہے, پورے ملک میں ٹریول کرنے کی آزادی حاصل ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی حاصل ہے, لائف کی جو ہے وہ گارنٹی ہے اس کی, تو اس کی لائف کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوگا, رائٹ ٹو ریلیجن ہوگا. لیکن جب آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے جو ہے وہ آزادی حاصل ہے, پھر آپ کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے, پھر آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچایا, بدلے میں لا تو ہے وہ عمل میں آئے گا. تو جب تک آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تب تک جو ہے وہ انڈیویجول لبرٹی کو سپورٹ کیا جاتا ہے لبرلزم میں. دین ہے اکویلٹی. سیکنڈ پرنسپل لبرلزم کا یہ ہے کہ سب ایکول ہوں گے, کسی کو کسی سے بہتر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا, سب کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا, نو ون ول بی ابو آف دی لا, کوئی بھی لا سے اوپر نہیں ہوگا. پھر لمیٹڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیزنس کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت نہیں کرے گی, ضرورت سے زیادہ انٹرونشن نہیں کرے گی, اور جو انڈیویجولز ہیں سٹیزنز ہیں ان کو اپنی لائف میں آزادی حاصل ہوگی کہ اپنے معاملات آسانی کے ساتھ, طریقے ساتھ, جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ حل کر سکیں. پھر ہے رول آف لا. لبرلزم کا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ رول آف لا ہوگا, اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ نو ون از ابو آف دی لا, یعنی سارے لا میں برابر ہیں,
किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं होगी, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं होगी। और ये दर्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले भी हमें दिया था खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर, ठीक है। तो वही बात है कि जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो रूल ऑफ लॉ को भी प्रमोट करता है, इसको भी एज अ प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है। देन सोशल टॉलरेंस है कि मुआशरे के अंदर मेरा क्या बिलीव है, मेरा क्या बिलीफ है, मेरा क्या अकीदा है, इस बात को भी कदर दी जाएगी, इस बात को भी बर्दाश्त किया जाएगा। मतलब अगर कोई ईसाई है आपका पड़ोसी तो आप ये नहीं कहेंगे उसे मार देंगे भाई कलमा पढ़, ऐसा नहीं है। लिबरलिज्म ये डिमांड करता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे सिख है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, सब टॉलरेंस के साथ साथ चलें, बुर्दबारी के साथ बर्दाश्त करके चलें एक दूसरे को, एक दूसरे के बिलीफ की, एक दूसरे के अकायद की, एक दूसरे के मामलात की कदर करना सीखें, उसको बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है। लिबरलिज्म वैल्यूज द डाइवर्सिटी एंड सोशल टॉलरेंस, दे सपोर्ट द एक्सेप्टेंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, बिलीफ्स एंड लाइफस्टाइल। किसी का लाइफस्टाइल कुछ भी हो सकता है, आप उसको बर्दाश्त करें। किसी का बिलीफ मजहब कुछ भी हो सकता है, आप उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि आपका भी तो अपना है, ठीक है। अगर कोई आपको कुछ नहीं कह रहा तो आप कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। इस बात पर बिलीव करता है लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे लिबरलिज्म के। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं लिबरलिज्म इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वैल्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड प्रमोट्स इक्वल राइट्स, इट इनकरेजेस ओपन माइंडनेस, टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी। लिबरलिज्म लिबरल प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एम्पावर पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ वाइब्रेंट सोसाइटी। तो कहते हैं लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू रिलीजन की बात करता है। और इस तरह क्या होता है कि एक ब्रॉड माइंडेड कल्चर जो है वो सामने आता है, एक ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है और इंडिविजुअल जो है सब बराबरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये आइडिया इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के टाइप्स कौन कौन सी हैं। कहते हैं लिबरलिज्म इज अ ब्रॉड पोलिटिकल आइडियोलॉजी डेट एनकंपासेस वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट्स। हेयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। सबसे पहले है क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरल क्या है, ये सबसे शुरू की बात है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, एम्फोसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री मार्केट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो जब शुरू में लिबरलिज्म का आइडिया शुरू हुआ था तो तब की जो लिबरलिज्म थी तब सिर्फ इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात की गई, बेसिक जो है, और गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी आपकी लाइफ में, मुदाखलत नहीं करेगी। तो इस चीज़ को बुनियाद बना के जब लिबरलिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ तो उसको कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। देन है सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म का मतलब है, कहता सोशल लिबरलिज्म इज आल्सो नाउन एज मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी इसको आज के दौर की लिबरलिज्म भी जाना जाता है। सोशल लिबरलिज्म कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म विद अ फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो मतलब जो क्लासिकल लिबरलिज्म के एलिमेंट थे उन्हीं को कंबाइन करके इसने मजीद जो है सोशल जस्टिस पे और इक्वालिटी जैसे एलिमेंट को सामने ला के बात की, तो इसको हमने सोशल लिबरलिज्म कह दिया। देन है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है कि आपके जो इकोनॉमी से रिलेटेड मामला है उनमें भी आपको आज़ादी हासिल होगी, उनमें भी गवर्नमेंट आपके इकोनॉमी से रिलेटेड जो मामला है उनमें मुदाखलत नहीं करेगी। तो कहते हैं इकोनॉमी लिबरलिज्म ऑफन एसोसिएटेड विद प्रायोरिटाइज फ्री मार्केट्स, डेरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। वही बात जो मैंने बताई है कि आप पे ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, आप कितना कमा रहे हैं इस ये गवर्नमेंट को इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा। तो मतलब लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी मैटर्स, इसको आप कहेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म, कि आप इकोनॉमी वाइज भी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में उनको कंसिडर किया जा रहा है, उनका कंसर्न मद्देनजर रखा जा रहा है। देन है कल्चरल लिबरलिज्म। कहते हैं कल्चरल लिबरलिज्म एम्फोसाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड टॉलरेंस इन कल्चरल एंड सोशल मैटर्स। देन ये डिफरेंट जो है वो काइंड्स एंड टाइप्स हैं लिबरलिज्म की। फिर है स्कोप ऑफ लिबरलिज्म, जिसपे सिंपल सा पैरा दिया है, आप कर सकते हैं नेचर ऑफ लिबरलिज्म पे भी सिंपल सा पैरा आप पढ़ेंगे इजीली समझ आ जाएगी, देन इसका कंक्लूजन है। तो ये था हमारे पास लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो कि आपने सारा देखा। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो अगेन सुने, इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्ट ऑफ फासिज्म। अगर आपको लिबरलिज्म समझ आ गया ना तो फासिज्म इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। लिबरलिज्म क्या बात करती है कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, फासिज्म क्या कहता है और लिबरलिज्म कहता है फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे
और गवर्नमेंट जो है वो जरूरत से ज्यादा मुदाखलत इंडिविजुअल्स की लाइफ में नहीं करेगा। लेकिन फासिज्म क्या कहता है कि यार इंडिविजुअल राइट्स को भी छोड़ो और गवर्नमेंट भी जो है ना डंके के जोर पे इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है उसको सप्रेस भी करेगा, दबाएगा, प्रेशराइज भी करेगा, हर लिहाज से दबा के रखेगा। तो फासिज्म को पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कहता फासिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो भी एक पॉलिटिकल आइडिया था जो कि फ्रीडम की बात करता है। अब फासिज्म भी एक पॉलिटिकल आइडिया है दैट प्रमोट्स अथॉरिटेरियन रूल। ये कहता है एक अथॉरिटी होगी वो रूल करेगी, वो आपको आप पे मुसल्लत होगी, पावर होगी उसके पास, वो दबा के रखेगी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर जो कंट्रोल है बड़ा सख्त किस्म का होगा। एंड सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और जो इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है आज़ादी है उसको दबा के रखेगी। इट्स एम्फसाइज़ेस अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय अ डिक्टेटर। इसमें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि एक डिक्टेटर जो है उसको चला रहा होगा। ऑफन ग्लोरीफाइंग नेशनलिज्म एंड मिलिटरिज्म, तो वो क्या करेगा आपकी वतन के साथ मोहब्बत को फोकस करेगा और मिलिट्री के साथ मोहब्बत को फोकस करेगा, इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात नहीं करेगा, बस करेगा मुल्क के साथ जो है वो और मतलब कि बुलवतन हो के रहो, आर्मी से प्यार करो, ये है वो है, लेकिन राइट्स की फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करेगा, फंडामेंटल राइट्स को दबा के रखेगा। कहता फासिस्ट रिजीम्स एम टू मेंटेन ऑर्डर थ्रू फोर्स एंड ऑफन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टन ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेस, एथनिसिटी और रिलीजन। तो ये जो फासिस्ट रिजीम होती है या जो फासिज्म से रिलेटेड जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि हमेशा जो कंट्रोल संभालती है ना वो फोर्सफुली संभालती है, लोगों पे दबाव डाल के, प्रेशर डाल के रखती है, और माइक चल रहे ना, लोगों को दबाव डाल के रखती है और डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, मतलब जो हाई अपर क्लास है उसको अलग से ट्रीट करना, मिडिल क्लास को अलग से ट्रीट करना, लोअर क्लास है उसको अलग से ट्रीट करना, इसी तरह कास्ट वाइज भी फ़र्क करती है, रेस वाइज भी फ़र्क करती है, जेंडर वाइज भी फ़र्क करती है। तो फासिस्ट रजीम जो है ये बिल्कुल अपोजिट टू लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म फंडामेंटल राइट्स देने की बात करता है, फासिस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करके फोर्सफुली जो है वो आपको मुसल्लत होने की आपको बात करता है। मीनिंग क्या कहता है, फासिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स अथॉरिटेरियन रूल, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट ऑफन लेड बाय अ डिक्टेटर। डिक्टेटर इसको चलाता है, फंडामेंटल राइट्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और दबाव डाल के आपको ट्रीट किया जाता है। डिफाइन फासिज्म, फासिज्म की अगर डेफिनेशन करें तो कहता है फासिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टोटल कंट्रोल। एक लीडर होता है जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास सारा का सारा कंट्रोल होता है। सुप्रेसिंग ऑपोजिशन एंड प्रमोटिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करता है, मतलब वतन के साथ मुहिब हो जाओ, वतन करो, मोहब्बत करो उसके साथ, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ऑफन यूजिंग फोर्स एंड लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स, तो यू फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जो आज़ादी है उसको दबा के रखते हैं, ये है फासिज्म। देन है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ फासिज्म, के फासिज्म का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट शुरू होता है। कहता फासिज्म इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे ये 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ। इट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी जैसे मालिक जो हैं वहाँ पर इसका जो है वो स्टार्ट हुआ। फासिस्ट बिलीव इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फासिज्म। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म क्या थे कि वो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी की बात कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, टॉलरेंस की बात कर रहे थे, यानी पॉजिटिव चीज़ें थी सारी। इसमें सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी इसके प्रिंसिपल्स में, मतलब अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब एक अथॉरिटी होगी उसी के पास सारा कंट्रोल होगा, वही आपको दबा के रखेगी, वही मुसल्लत होकर रहेगी। कहता फासिज्म सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी विद एब्सोल्यूट पावर। फासिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को जो है वो सपोर्ट करता है और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। वेयर डिसीजंस आर मेड बाय अ सिंगल लीडर और रूलिंग एलीट, डिसीजन जो है वो एक लीडर मिलकर कर रहा होता है जिसको रूलिंग एलीट भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो यानी एक तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अथॉरिटी अथॉरिटेरियनिज्म होगा, एक अथॉरिटी होगी, वही मसल्लत होगी, वही सारे फैसले करेंगे। नंबर टू पे है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब वतन के साथ मोहब्बत है बस, और किसी साथ आपकी कोई लेना नहीं, वतन के साथ आप जो है वो ट्रूली लव करते हो, मतलब गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के ताबे रहना है आपने, जी सर, जी बॉस, जी आका, ये वाला निज़ाम। कहता फासिज्म प्रमोट इंटेंस लॉयलिटी एंड डिवोशन टू वंस कंट्री और नेशन, यानी अपनी कौम और मुल्क के लिए आपकी जो डिवोशन है
वो इंटेंस लेवल की लॉयलिटी होनी चाहिए, मतलब अपनी बंदी के साथ भी उतनी लॉयलिटी नहीं आपकी होनी चाहिए जितनी मुल्क के साथ होनी चाहिए। ऑफन एम्फसाइजिंग इट्स प्रायोरिटी एंड द नीड टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी एंड कल्चर, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। देन टोटलिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है कि एक ही लीडर है वो सारे मामला देख रहा है। कहता फासिज्म सीक्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स इकोनॉमी कल्चर एंड इवन इंडिविजुअल थॉट्स एंड बिहेवियर, लोगों ने बिहेव कैसे करना है, लोगों का कल्चर क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक मामला कैसे चलना है, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, ये सारे के सारे मामला पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। तो इसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म, मतलब लोगों की अपनी सोच ही नहीं होती, सबका सब गवर्नमेंट ने संभाला होता है। देन है डिक्टेटरशिप, तो कहते हैं फासिज्म फेवर अ डिक्टेटोरियल लीडरशिप स्टाइल विद एन ऑल पावरफुल लीडर्स हु इज ऑफन सीन एज अ चार्मेटिक फिगर गाइडिंग द नेशन टुवर्ड्स इट्स गोल्स। तो एक लीडर होता है उसी ने सब कुछ बताना होता है कि ये करो ये करो ये करो, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। देन एंटी डेमोक्रेटिक, जो लिबरलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, यानी अवाम की सुनी जाती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो है ये एंटी डेमोक्रेटिक है, अवाम की आवाज़ का ख्याल ही नहीं किया जाता है। देन मिलिटेरियनिज्म है, तो ये इसके सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। डीमेरिट्स ऑफ फासिज्म क्या है कि फासिज्म से क्या क्या नुकसान होता है कि सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी लोगों की जो आज़ादी है वो सप्रेस होकर रह जाती है, दब के रह जाती है, उनको हासिल ही नहीं होती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं हो सकती है, लोगों की आवाज़ का ख्याल ही नहीं किया जाता है। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी एक ही पर्सनैलिटी है उसी को आपने फॉलो करना है, और कोई है ही नहीं, मतलब जो डिक्टेटर है या जो सरबराह है उस मुल्क का उसी को आपने फॉलो करना है और किसी को आप सुनेंगे। नेशनलिस्टिक पॉलिसीज हैं और लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, तो मतलब ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, बिल्कुल भी ख्याल इसमें नहीं किया जाता। तो ये था सारा फासिज्म का कंसेप्ट, देन इसका कंक्लूजन है। होप सो आपको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप अगेन एंड अगेन वीडियो देखें, आपको जरूर आ जाएगा, वरना व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।